कहते हैं इतिहास अपने आप को फिर से दोहराता है, मतलब जो कांड हमने 600 साल पहले किया था शायद हम फिर से वही करने जा रहे हैं। फूलो फलो, अरे कोने में तो चलो। सितमगढ़ का शाही कवच है वो। कभी कभी लगता है कि पुनीत भगवान है। दोस्तों पिछले साल 2019 की फिल्म हाउसफुल 4 उन फिल्मों में से एक थी जिसने अपनी धमाकेदार कॉमेडी से सभी को हंसाया था। इस फिल्म में सभी कलाकार महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हुए दिखाई दिए थे। बाला या धर्मपुत्र के इन सभी किरदारों ने अपनी जबरदस्त कॉमेडी के साथ फिल्म को सुपर डुपर हिट फिल्म बनाया था, जिसके कारण ये एक सफल फिल्म साबित हुई थी। लेकिन दोस्तों क्या आप जानते हैं कि अब सुपर हिट फिल्म का पार्ट 5 भी जल्दी ही आ रहा है। खबरें हैं कि हाउसफुल 5 2021 के एंड तक रिलीज होने वाली है। और आज की हमारे इस वीडियो में हम आपको इस फिल्म से जुड़ी स्टार कास्ट, फिल्म की कहानी, फिल्म की रिलीज डेट, इन सभी के बारे में बताने वाले हैं। अगर आप भी इन सभी बातों के बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे इस वीडियो के एंड तक जरूर बने रहिए। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आपसे लाइक और शेयर भी जरूर कीजिए। दोस्तों 2019 में बड़े पर्दे पर रिलीज हुई फिल्म हाउसफुल 4 एक कॉमेडी ड्रामा फिल्म थी, जिसमें अभिनेता अक्षय कुमार, रितेश देशमुख और बॉबी देओल मुख्य अभिनेता की भूमिका निभाते हुए नजर आए थे। और उनके अपोजिट एक्ट्रेस कृति खरबंदा, कीर्ति सनन और पूजा हेगड़े अभिनय करते हुए देखे गए थे। इस फिल्म में अभिनेता अक्षय कुमार को बाला की कॉमिक भूमिका निभाते हुए देखा गया था, जो अपने दूसरे जन्म में हैरी का जन्म लेता है। लेकिन समय के साथ उन्हें अपने पुनर्जन्म की सच्चाई पता चल जाती है। हैरी के बाद मैक्स और बेंगड़ू को पता चल जाता है कि वो जिन लड़कियों से शादी करना चाहते हैं वो असल में उनकी भाभी है। और फिल्म की इस कहानी में काफी मजा आता है, काफी ट्विस्ट और टर्न्स भी देखने को मिलते हैं। फिल्म की कहानी को दर्शकों ने काफी पसंद भी किया था, साथ ही फिल्म के गाने भी बहुत पॉपुलर हुए थे, जिनमें बाला गाने ने सभी रिकॉर्ड तोड़ दिए थे। फिल्म की इसी पॉपुलैरिटी को देखते हुए फिल्म हाउसफुल 4 के फ्रेंचाइजी के निर्देशक साजिद खान जल्दी ही इस फिल्म के साथ बड़े पर्दे पर बफर से नजर आएंगे। जी हाँ, जल्दी ही आपको फिल्म हाउसफुल 5 का ट्रेलर भी देखने को मिलने वाला है। बताया जा रहा है कि फिल्म की कहानी पर काम शुरू हो गया है और फिल्म हाउसफुल 4 से ज्यादा कॉमेडी और ट्विस्ट आपको फिल्म पार्ट 5 में देखने को मिलने वाले हैं। वह खबरें हैं कि फिल्म हाउसफुल 5 में भी अक्षय कुमार की एक जोरदार कॉमेडी एक बार फिर से आपको देखने को मिलेगी। फिल्म में उनके साथ अभिनेता रितेश देशमुख और गोविंदा इस बार होने वाले हैं, जो कि अपने जबरदस्त अभिनय का रंग बिखेरते हुए नजर आएंगे। फिल्म के बारे में बात करें तो इस बार मुख्य अभिनेत्री का किरदार करिश्मा कपूर, अनुष्का शेट्टी और इलियाना डिक्रूज निभाते हुए नजर आने वाले हैं। और अभी तक स्टार कास्ट को लेकर कुछ भी फाइनल नहीं किया गया है, लेकिन खबरें हैं कि जल्दी ही इस फिल्म की अनाउंसमेंट कर दी जाएगी। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि फिल्म हाउसफुल 4 में सबसे ज्यादा दिलचस्प किरदार किसका था, और क्या आप भी इस फिल्म के पार्ट 5 को देखने के लिए सुपर डुपर एक्साइटेड हैं या फिर नहीं, हमें कमेंट्स करके अपनी राय जरूर बताएं। और अगर आपको हमारी ये वीडियो पसंद आई तो आपसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और साथ ही टीवी इंडस्ट्री और बॉलीवुड इंडस्ट्री से जुड़ी ऐसी चटपटी और मसालेदार खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें।